गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून अभिषेक सौरभ. गुड आफ्टरनून. Very good, Vatsal. सबको वॉइस क्लियर है? ओके हिमांशु सौरभ आशुतोष आप फिर से बेटा कनेक्ट हो जाओ एक बार अगर आपकी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो. कनक धर ओके तो स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ा था हम लोगों ने उसमें कहीं कोई डाउट है आपको? गुड आफ्टरनून आदर्श. पिछली क्लास में हम लोगों ने पहला मैथ्स की क्लास है हम लोगों ने पहला लेक्चर किया था मैथ्स का. अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप एक बार पूछ लो. जिनकी क्लास मिस थी मैंने उनको वीडियो की लिंक भी प्रोवाइड की थी. अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है आपको तो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ. अरुण गुड आफ्टरनून. ओके देन स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास. हमने जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया था वो पहला टॉपिक था हम लोगों का डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट के बारे में हम लोगों ने बेसिक सी चीजें पढ़ी थी क्या है एक बार रिवीजन कर लेते हैं. ओके जब भी आप डिटरमिनेंट की बात करोगे तो मैंने कहा था आपको जो भी नंबर प्रोवाइड किए गए हैं या फिर आपको जो भी एलिमेंट प्रोवाइड किए गए हैं अगर आप उनको इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम में अरेंज करते हो वहां पे क्या होना चाहिए वहां पे आपके रो एंड कॉलम की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. ये आपकी पहली कंडीशन आपको दी गई थी राइट. अब हमें कंफ्यूजन होता है कि रो एंड कॉलम क्या होते हैं. तो रो का मतलब होता है कि अगर कोई भी डेटा आपको हॉरिजेंटल दिया जाए दैट मीन्स अगर आप एलिमेंट को हॉरिजेंटल लिखते हो तो हम उसको कहते हैं रो. ओके और अगर आप अपने एलिमेंट को वर्टिकल लिखते हो तो दैट इज कॉल्ड कॉलम. तो जब भी हम डेटा को वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे तो वो कॉलम कहलाएगा और जब भी हॉरिजेंटल या फिर समझो हॉरिजेंटल का मतलब ऐसे सीधी लाइन और ये कॉलम का मतलब खड़ी लाइन होता है राइट. मैंने कहा जो भी एलिमेंट दिया गया है उसको रो एंड कॉलम में तो आपको अरेंज करना है बट जब भी आप अरेंज करो तो अरेंज करने के बाद उसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख दो. जैसे मैंने लिखा 5 - 10 - 3 - 7 यहाँ पे मैंने दो वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींच दिया और मैंने उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ए से रिप्रेजेंट कर दिया. ओके तो आप चेक करोगे यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स हम देखते हैं. अगर आप नंबर ऑफ रो की बात करोगे तो ये जो 5 और -10 लिखा हुआ है ये आपका होगा फर्स्ट रो राइट. ये जो मैंने लिखा हुआ है 3 और 7 ये होगी आपकी सेकेंड रो. 5 और 3 इज द फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम. दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या लिख सकते हैं हम. मेरी पहली रो थी R1 जिसकी वैल्यू थी 5 - 10. हमें सेकेंड रो प्रोवाइड की गई थी R2 जिसकी वैल्यू थी 3 और 7. यहाँ पे हमें दिया गया था C1 हमारा पहला कॉलम और ये प्रोवाइड किया गया था हमें C2 हमारा दूसरा कॉलम. क्या हम इसको डिटर्मिनेंट कह सकते हैं बताइए सब लोग. क्या हम इसे डिटर्मिनेंट कह सकते हैं. अरुण यस वत्सल यस अरमान गुड आफ्टरनून बेटा यस हम इसको डिटर्मिनेंट कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आपको दी गई. जब भी नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम होगा तो हम उसको डिटर्मिनेंट कह सकते हैं. मैंने आपको ये भी कहा था कि जब भी आपको डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप कोई भी कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप उसकी जगह पे डेल भी यूज कर सकते हो.
डेल का मतलब भी होगा, आपको डिटरमिनेंट वहां पे लिखा होगा। एक क्वेश्चन मुझे और बताइएगा। क्या हम इसे डिटरमिनेंट कह सकते हैं? और नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम विथ रीजन बताइएगा मुझे, अगर हम इसको डिटरमिनेंट नहीं कह रहे हैं या कह रहे हैं तो क्या रीजन है? विथ रीजन मुझे आंसर देना आप लोग। सौरभ क्या इक्वल नहीं है बेटा? वत्सल एक बार फिर से चेक कर लो आप। आदर्श वेरी गुड, शिवम राइट, अरमान अली राइट, आशुतोष गुड राइट। अगर आप इसको चेक करोगे, हम यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम चेक करते हैं। यहाँ पे पहली रो क्या हो जाएगी, दिस इज आर वन, ये हमारी पहली रो थी क्योंकि ये ऐसे लिखी हुई है, और ये क्या हो जाएगा हमारा आर टू क्योंकि हमें ये हॉरिजेंटल में दिया गया था। ओके सबके आंसर सही है, अनुराग, अरुण, रविंद्र, अभिषेक सबके सही है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो कॉलम सी वन, दिस इज कॉलम सी टू एंड दिस इज कॉलम सी थ्री। दैट मीन्स अगर मैंने रो की वैल्यू चेक किया तो रो की वैल्यू मुझे मिली थी टू, और अगर आप यहाँ पे कॉलम चेक करने जाएंगे तो कॉलम की वैल्यू क्या हो गई थ्री। नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट मीन्स हम इसको डिटर्मिनेंट नहीं कहेंगे, ये डिटर्मिनेंट नहीं होगा। क्लियर? राइट गुड। बट वहां पे आई और जे की वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं है, अभी मैं आपको बताती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी समझाया था कि जब भी हम डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उसके एलिमेंट को, तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता था आई जे। व्हाट इज आई एंड जे? आई और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप बता सकते हो मुझे? प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया भी था आपको। अनुराग वेरी गुड, रितेश गुड, शिवम राइट, राइट। अगर मैं आई की बात करूं यहाँ पे, तो आई हमें बता रहा है नंबर ऑफ रो, दैट मीन्स आपका जो एलिमेंट है वो किस रो में है। और अगर मैं जे की बात करूं तो जे हमें बताएगा कि जिस भी एलिमेंट की आप बात कर रहे हो वो एलिमेंट किस कॉलम में है। राइट, आई नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे वहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा, हम ध्यान रखते हैं। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्डर। ज्योति आपकी जो भी क्लास मिस हुई है उसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, मैंने सबको वीडियो की लिंक भेजा था, मैं आपको भी दे दूंगी, आप उससे मेरी पहली क्लासेस आराम से कर लोगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है, जो भी हमें दिया गया है उसका ऑर्डर पढ़ना है, कि जो भी हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होता है। आप ध्यान रखिएगा आपके डिटरमिनेंट में जितने नंबर ऑफ रो या फिर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जो भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके में दिए गए हैं उसी को हम डिटरमिनेंट का ऑर्डर कहते हैं। दैट मींस अगर मेरे डिटरमिनेंट में दो रो और दो कॉलम प्रोवाइड किए गए हैं तो हमारे डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? हमारे डिटरमिनेंट का ऑर्डर हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। आप बताइए अगर मेरे डिटरमिनेंट में चार रो हैं तो डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट? सब लोग बताइए, अगर मेरे डिटरमिनेंट में चार रो चार कॉलम्स हैं तो डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होगा मेरा? राइट अरुण, आशुतोष, बेटा मैंने कोई क्रॉस का यूज करके आपको नहीं बताया है। रितेश वेरी गुड, रविंद्र गुड, दैट मीन्स आप उसको सीधे कह सकते हो। अगर आप उसके ऑर्डर निकालने जाओगे तो आप उसको कह सकते हो कि हमारा डिटरमिनेंट फोर्थ ऑर्डर का है। फोर्थ ऑर्डर का क्यों है? क्योंकि हमारे डिटरमिनेंट में चार रो चार कॉलम हमें प्रोवाइड किए गए, राइट। अब हमें वन बाय वन करके हर ऑर्डर के डिटरमिनेंट को पढ़ना होगा। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं
आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अरमान अली वन ऑर्डर का भी हो सकता है बेटा। कैसे हो जाएगा? अगर मैं नॉर्मली एक एलिमेंट लिखूं, कोई भी एक एलिमेंट आप लिख रहे हो, आप चेक करोगे यहाँ पे नंबर ऑफ, जो आपका नंबर ऑफ रो है वो भी आपका एक है, और आपका जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो भी एक है, तो आप इसको बोलोगे सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ज्योति आपको जो नहीं आ रहा है बेटा आप पूछ लो, मैंने पूरा प्रीवियस क्लास आपको बता दिया है। अभी आपको जो नहीं समझ में आ रहा है आप उसे पूछ सकते हो। राइट तो अरमान आपको अपना आंसर मिल गया होगा कि एक वन ऑर्डर का भी डिटरमिनेंट होता है, बट वन ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम कुछ सॉल्व नहीं कर पाते हैं इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते हैं। ज्योति मैं नंबर दे दूंगी, आप परेशान मत हो, मैं नंबर दे दूंगी आपको। आप अभी क्लास में ध्यान दो वरना आपका वो भी छूट जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। अभी जो पढ़ रहे हो आप पहले उसको ध्यान दो। अब हम आते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट दिया गया है दैट मीन्स नंबर ऑफ रो कितने होने वाली है? टू। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने वाले हैं? टू। सेकेंड ऑर्डर का मतलब ये नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स टू होंगे। अब मैं इसका एक जनरल फॉर्म लिखने जा रही हूँ, क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा हमारे डिटरमिनेंट में दो रो और दो कॉलम होगा, दैट मीन्स ये हुआ मेरा पहला रो, ये हुआ मेरा दूसरा रो। दिस इज द फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम। अब जो भी एलिमेंट मैं लिखने जा रही हूँ, मैं आपसे नॉर्मल कह सकती हूँ कि मुझे अगर दिया गया था 5 0 3 -5, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट था क्योंकि यहाँ पे दो रो और दो कॉलम हमें प्रोवाइड किए गए थे। अगर मैं यहाँ इसको जनरल फॉर्म में लिखूंगी तो आप बताओ जनरल फॉर्म में हम लिखते कैसे हैं? ए आई जे के थ्रू। राइट, पहला वाला एलिमेंट मैं लिखने जा रही हूँ तो मैंने यहाँ लिखा ए। आप इसके सामने चेक करो रो कौन सी है? फर्स्ट रो। इसके ऊपर चेक करो कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम। तो मैंने रिप्रेजेंट क्या किया? A11। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके लिए लिखने जा रहे हैं तो इसके सामने चेक किया आपने रो कौन सी है आपकी? फर्स्ट रो। कॉलम क्या कौन सा है हमारा इसके ऊपर? सेकेंड कॉलम। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया A12। राइट राइट वत्सल। नीचे आते हैं यहाँ पे क्या लिखे आप बताओ, कौन सा रो कौन सा कॉलम? सब लोग बताइए इस एलिमेंट को हम क्या लिखेंगे। राइट अरुण वत्सल, अनुराग गुड, अभिषेक गुड। ये हो जाएगा आपका A21। सौरभ हिमांशु कनक गुड। एंड सबसे लास्ट लिखोगे आप तो ये हो जाएगा A22। तो दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अगर सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को मुझे एक ही टर्म में जानना है तो हम उसको लिखते हैं A11, A12, A21, A22। ठीक। अब हमसे कहा गया है आपको कोई भी सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट दिया जाए तो आपको उसको सॉल्व कैसे करना है ये आना चाहिए। तो हमने सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को लिख लिया, अब मैं आपको उसको सॉल्व करना सिखाने जा रही हूँ। जब भी आपको सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट दिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा A11, A12 इन सब की जगह पे आपको कोई एलिमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ। ओके, इनको सॉल्व करने के लिए आप एक बार ऊपर प्लस लगाइए और एक बार ऊपर माइनस लगाइए। ठीक, सबसे पहले ये जो भी दो एलिमेंट हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और उनके आगे हमेशा प्लस साइन होगा। आपको पता है अगर मैं नॉर्मल 5 लिखूं या फिर मैं प्लस 5 लिखूं तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। राइट, मतलब 5 के आगे मैं प्लस नहीं भी लगा रही हूँ तो आप समझ जाओगे कि वो प्लस 5 में वैल्यू दी गई है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आई हमारी? A11 इंटू, इंटू की जगह मैंने डॉट का यूज किया हुआ है, A22। राइट, इनके आगे प्लस साइन लगा है, प्लस आप लिखो या फिर प्लस आप नहीं लिखोगे दोनों केसेस में वो सेम होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अब नेक्स्ट लगाओ आप माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस साइन है इसलिए आप माइनस लगाओ और ये दो एलिमेंट जो भी दिए हैं आप उनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब हम उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा A12 इंटू A22।
दिस इज द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. कोई भी आपको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो उसको सॉल्व करने का ये सबसे सिंपल तरीका आपको प्रोवाइड किया गया. आप इसके थ्रू सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इजिली सॉल्व कर सकते हो. अब जरा एक क्वेश्चन समझो आप कि हम क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे. मुझे क्वेश्चन दिया गया था 3, 5, 1, 8. सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे कहा एक बार यहाँ पे आप प्लस साइन यूज करो, एक बार आप यहाँ पे माइनस साइन यूज करो. सबसे पहले आपको 3 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हमेशा. मैंने लिख दिया 3 into 8, देन मैंने माइनस साइन का यूज किया क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ था, और मैंने इन दोनों का अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया 5 into 1. सॉल्व करेंगे 8 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 8 3 are 24. माइनस 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5. 24 में से 5 माइनस करेंगे आप तो आपका आंसर क्या आएगा, 19. दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट. अरमान, शिवम, आशुतोष, राइट बेटा? हिमांशु, आपका थोड़ा सा गड़बड़ है. अगर सबको क्लियर हो गया है तो मुझे बताओ, और कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो आप फिर से. ज्योति, आपको क्लियर है बेटा? आपकी क्लासेस छूटी थी तो आप बताओ आपको क्लियर है कि नहीं. अरुण, सुधांशु, वत्सल, अनुराग, क्लियर? अरमान, क्लियर? प्रवीण, क्या बताओ बेटा? हाँ राइट, यहाँ पे 8, 2, 1 है. गुड, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे 2, 1 होगा, वो लिखने में मिस्टेक हो गई. सबको क्लियर है? ज्योति, आपने बताया नहीं बेटा, आपको क्लियर है कि नहीं? ज्योति, कनकधर, रामायण त्रिपाठी, नो डाउट. देन मैं क्वेश्चन दूं, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे क्वेश्चन. सब लोग लिख लेना ये पूरा, ये फॉर्मूला लिख लो आप जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और एक ये एग्जांपल लिख लो. सब लोग लिख लो, देन मैं आगे बढ़ूं. ओके, मैं ये हटा रही हूँ और क्वेश्चन दे रही हूँ. सबने लिख लिया ना? किसी का नहीं लिखा तो मुझे बता देना. विशाल, क्या नहीं आ रहा है बेटा, आप मुझे बताओ, मैं आपको समझा दूंगी. सब लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दीजिए मुझे. विशाल, आप सीधा सा समझो बेटा कि जब भी आप डिटरमिनेंट की बात करते हो तो डिटरमिनेंट में रो एंड कॉलम में आपको एलिमेंट को लिखना है, और एक कंडीशन दी गई है कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम सेम होना पड़ेगा. जैसे ही मैंने लिखा 5, 0, 9, 1, आप चेक करोगे यहाँ पे 2 रो दी गई है आपको और 2 कॉलम भी प्रोवाइड किया गया है. गोलू, शिवम, राइट? प्लस माइनस ध्यान रखना सब लोग, गड़बड़ नहीं होना चाहिए. आंसर्स कई मिल रहे हैं मुझे. बाकी लोग आंसर बताइए. अरुण सिंह आ गया, आशुतोष पांडे आंसर, ज्योति पांडे आंसर दीजिए आप, रामायना, विशाल. विशाल बेटा अभी समझो जो मैं बता रही हूँ, फिर तुम्हारी जो भी कंफ्यूजन है वो मैं बता दूंगी. आदर्श, क्यों चेंज हो जाएगा आंसर? चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आएगा हमारा आंसर. सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे माइनस लिखा. ये आप हमेशा लिखोगे, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी. सबसे पहले मुझे माइनस 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने लिख दिया माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5. ओके, देन यहाँ माइनस साइन था तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन का यूज किया. अगेन आपको 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. जब आप 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 into 2. ओके, सॉल्व करते हैं. माइनस 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है,
तो ये हो जाएगा -25। आपको पता होगा कि जब भी हम एक निगेटिव वैल्यू का एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा निगेटिव आता है। जैसे मैंने -5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक वैल्यू पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो हमारा आंसर क्या होगा -25। राइट, मैंने माइनस को एज इट इज कॉपी किया ये वाले, और 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6। 25 और 6 दोनों वैल्यूज माइनस में है, जब दोनों वैल्यूज माइनस में होती है तो आपको उनको प्लस करना होता है। मैंने प्लस किया तो वैल्यू आया 31, और साइन क्या यूज होता है यहाँ पे, माइनस का, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है। आप बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, प्लस माइनस साइन कोई भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है आप पूछ लो उसे, किसी भी वैल्यू में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो उससे। जिनका +31 आया था उनको कंफ्यूजन क्लियर है उनकी, कई लोगों का +31 आया था। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आप सबके पास मेरा नंबर होगा, बट मैं नंबर यहाँ पे आपको मैसेज में भेज रही हूँ। अगर नंबर नहीं है आपका, आपके पास मेरा, तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, ठीक है? कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम है, आप 3 to 5 मुझे कॉल कर सकते हो। आप आराम से 2 to 5 कॉल कर लो, 2 से 5 के बीच में आप मुझे कभी भी कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूंगी। और अगर मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं बाद में आपका रिस्पॉन्स जरूर दूंगी। हाँ, काफी लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है वो सेव कर लेना, ठीक है? मैंने यहाँ पे मैसेज सबको किया है, सब लोग सेव कर लेना। कोई भी दिक्कत है आप मुझे, बट टाइम ध्यान रखना आप, कि आप मुझे 2 से 5 के बीच में कभी भी कॉल कर लो। और कोई भी दिक्कत वैसे है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके ज्योति, मैंने नंबर दे दिया बेटा, लिख लो। अब आप कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया था, चलिए आंसर बताइए सब लोग। फिर से मैं कह रही हूं, अगर किसी को दिक्कत है तो आप फिर से मुझसे पूछ लो। वेरी गुड, अरमान, रितेश, आशुतोष, सौरभ, आदर्श, वेरी गुड, तुरंत आंसर आए आपके। अनुराग, राइट बेटा। कनक धर, अभिषेक बेटा एक बार फिर से चेक करो आप दोनों। अरुण सिंह, राइट। शिवम, थोड़ा सा गड़बड़। हिमांशु, राइट। अरुण, राइट। एक बार मैं बताती हूँ, किसी को दिक्कत होगी फिर से देख लेना आप। सौरभ सिंह, राइट। वत्सल, राइट। सुधांशु, राइट। ज्योति, थोड़ा सा गड़बड़ है। गोलू सिंह, राइट। ओके, देखते हैं क्या है। फिर से मैंने यहाँ पे प्लस साइन यूज किया, अगेन मैंने यहाँ पे माइनस साइन यूज किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम 10 का 1 के साथ, तो दिस इज इक्वल्स टू 10 into 1, राइट? देन मैंने माइनस साइन का यूज किया क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। अब मुझे किसका मल्टीप्लाई करना है, मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, ध्यान रखिएगा। ओके, जब मैंने 10 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इट इज इक्वल्स टू 10, माइनस साइन मैंने आधा तक लगाया। 5 का -2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज इक्वल टू -10। अगेन 10 एज इट इज रहेगा, माइनस और माइनस की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर कहीं पे भी 2 बार माइनस लगा है तो आप उसको क्या कर देते हो, प्लस। तो माइनस माइनस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, +10, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +20। किसी को कोई कंफ्यूजन? शिवम, थोड़ा सा साइन गड़बड़ होगा बेटा, सब आंसर गलत हो जाएगा। आदेश, क्या बोल रहे हो आप? कोई बात नहीं, आपका मैथ्स नहीं था ज्योति, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये नहीं कहा है कि आपको मैथ्स पहले से आनी चाहिए, मैं आपसे कह रही हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको 2 + 2 ऐड करने में भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूंगी।
आदर्श यहाँ पे अभी ऐसी कोई लॉजिक नहीं लग रही है कि कॉलम के अंदर माइनस है तो हम उसको बाहर करेंगे, वो कॉमन लेने का तरीका आदर्श अलग होता है, बट अभी हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और आप लोग परेशान मत होइए, जिसकी भी मैथ्स नहीं है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आई अंडरस्टैंड आप बायो के हो या फिर आप वट एवर जो भी है आपका सब्जेक्ट कॉमर्स के हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछो मुझसे, ऐसा नहीं है कि मैथ्स आपको नहीं आएगी, और बहुत इजी मैथ्स से आपको इजीली आएगी और मैं हूं आपके लिए अवेलेबल। एक क्वेश्चन और दिया जाए सर, अब की बार किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। Solve it. फिर प्लस माइनस ध्यान रखिएगा, आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं प्लस माइनस में। क्वेश्चन एक बार चेक कर लो आप। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, आप चेक करिएगा अपना अपना आंसर। अगेन मैंने एक बार प्लस साइन यूज किया, देन माइनस साइन यूज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस फाइव का थ्री के साथ, राइट? तो ये हो जाएगा आपका माइनस फाइव इंटू थ्री, देन यहाँ पे माइनस साइन था तो मैंने भी माइनस साइन का यूज किया। अगेन अब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टेन का माइनस फाइव के साथ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस टेन मल्टीप्लाइड बाई माइनस फाइव। जब हम माइनस फाइव का थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक वैल्यू प्लस है दूसरी वैल्यू माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस फिफ्टी। ओके, देन मैंने माइनस साइन को एडिटिव रखा। जब आप माइनस टेन का माइनस फाइव के साथ करोगे तो आपको पता होगा माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स ये तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, और टेन का फाइव के साथ करेंगे तो फिफ्टी। ये ध्यान रखना कि यहाँ पहले से माइनस लगा है तो हम वो माइनस जरूर लगा देंगे। ओके, दोनों वैल्यूज माइनस में है, दैट मींस दोनों वैल्यूज को हमें ऐड करना होगा। जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 65, और यहाँ पे साइन क्या यूज हो जाएगा, माइनस साइन यूज हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? कई लोगों के आंसर्स गलत हैं, एक बार चेक कर लो, कंफ्यूजन है तो फिर से मुझसे पूछ लो। ये छोटा छोटा प्लस माइनस अगर हमें क्लियर नहीं होगा तो आगे हमें बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आपको कहीं नहीं आ रहा है तो आप फिर से मुझसे पूछिए। विकास, अरुण, ओके, नो डाउट, व्हाट्स द लाइट बेटा, आपका सही है, अरमान, नो कंफ्यूजन। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है कि बस आज के लिए इतनी प्रैक्टिस इनफ थी? बट अभी कई लोगों के आंसर्स गलत आ रहे हैं, तो आप एक बार थोड़ा और प्रैक्टिस करना तो आपके आंसर्स सही आएंगे। वन मोर क्वेश्चन, ओके, देन दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। टेल मी योर आंसर। आपको मैं इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगी कि आप खुद से नहीं भी करोगे तो भी आपका प्रैक्टिस इनफ हो जाएगी। सौरभ, विकास, अरमान राइट, आदर्श राइट, शिवम, अरुण, रितेश, सुधांशु, आशुतोष, अरुण, वेरी गुड, सबके आंसर सही हैं। अनुराग, कनकधर बेटा एक बार फिर से चेक करो आप, ज्योति एक बार रीचेक कर लो, पत्सल थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, मानशु राइट, मैं आंसर्स नहीं बोल रही हूँ क्योंकि फिर आप देख लोगे आंसर, रामायण थोड़ा सा गड़बड़े बेटा, ओके, ज्योति पांडे वेरी गुड बेटा, अत्सल राइट, अभिषेक श्रीवास्तव राइट, रविंद्र थोड़ा सा गलत है,
चेक करते हैं हम क्या आ रहा है. ठीक, मैंने यहाँ पे फिर से प्लस साइन यूज किया, यहाँ पे माइनस साइन यूज किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने -10 × 2, राइट. देन मैंने माइनस साइन लगाया और अब मल्टीप्लाई किसका करना है मुझे, 0 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है. -10 का आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -20. माइनस लगाया, आपको पता होगा आप 0 के साथ किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है. और किसी भी वैल्यू में से 0 माइनस करोगे तो नो चेंज, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, -20. और ऑलमोस्ट सबका आंसर सही था इस बार, वेरी गुड. अब क्लियर हो गया होगा, अब प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग. आपको किसी को प्लस माइनस में कंफ्यूजन होती है तो बता दो, मैं वो भी आपको सिखा दूंगी एक बार. कोई ऐसा है जिसको प्लस माइनस समझ में नहीं आता है कि कब प्लस लिखना है कब माइनस लिखना है? ओके, आशुतोष, क्लियर. रविन, आदर्श, वत्सल, अनुराग. ओके ज्योति, मैं एक बार बता दे रही हूं, आप लिख लो. मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ. प्रोडक्ट का मतलब है कि आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो आप कैसे ध्यान रखोगे प्लस माइनस का. मैंने कहा अगर मुझे दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब अगर आप दो पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर जो आएगा वो भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, राइट. अगर मुझे एक वैल्यू पॉजिटिव प्रोवाइड की जाए और दूसरी वैल्यू निगेटिव प्रोवाइड की जाए, सब लोग बताओ क्या आएगा. अगर हमें एक वैल्यू पॉजिटिव दी गई है और दूसरी वैल्यू निगेटिव दी गई है तो उस केस में हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा निगेटिव, राइट. अगेन, अगर मुझे पहली वैल्यू निगेटिव दी जाए और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव दी जाए तो भी सेम लॉजिक लगी कि एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू निगेटिव, तो हमारा आंसर अगेन क्या आएगा, निगेटिव. और दोनों वैल्यू अगर निगेटिव दी जाए तो दोनों वैल्यू जिस केस में निगेटिव दी जाती है वहां पे आंसर क्या आता है, पॉजिटिव. तो यही नॉर्मल सा प्रोडक्ट का रूल होता है. प्रोडक्ट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली, ठीक है. यहां तक क्लियर है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट की तरह सेम हम एडिशन पे आते हैं. अब अगर आप एडिशन की बात करोगे, मैं नॉर्मल सा कहूं, अगर मुझे दो नंबर दिया जाए और दोनों नंबर पॉजिटिव है, आप इनके बीच में प्लस करने जा रहे हो तो आंसर हमेशा क्या करना होगा, मतलब आपको हमेशा प्लस में ही आंसर आएगा, ठीक. अगर पहली, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू निगेटिव है तो आपको परफॉर्म क्या करना है, आपको वहां पे सब्सट्रैक्ट करना होगा. और जो भी आपकी बड़ी वैल्यू है, दैट मीन्स जो भी दोनों में बिग वैल्यू है, साइन हमेशा उसका होगा. दैट मीन्स आपको साइन प्लस माइनस अगर आंसर में लिखना है तो प्लस माइनस आप कैसे लिखोगे आंसर में, साइन ऑफ बिग वैल्यू. कुछ ऐसा समझिए, अगर मुझे दिया गया था +5 - 10 तो मुझे करना क्या था, मुझे वहां पे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना था. मैंने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया तो 10 में से 5 गया, आंसर क्या आया, 5. साइन क्या लगेगा, प्लस की माइनस, तो आप चेक करो दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है, दोनों में बड़ी वैल्यू थी आपकी 10, तो साइन मैंने क्या यूज कर दिया, माइनस. ओके, और जब भी आपकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, सॉरी, जब भी आपकी दोनों वैल्यू निगेटिव है तो उस केस में आप एडिशन कर दो, दैट मीन्स दोनों को एड कर लो और साइन हमेशा क्या यूज करोगे, साइन हमेशा निगेटिव यूज होगा. जैसे मैंने लिखा -10 - 20, दोनों वैल्यू मेरी निगेटिव थी तो आप इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 20 और 10 हो जाएगा 3 और साइन हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट. कोई कंफ्यूजन किसी को? और अगर कभी भी लिखा हो माइनस ऑफ वैल्यू, कोई भी वैल्यू, तो ये वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, पॉजिटिव. जैसे मुझे लिखा है -5, तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, +5. ज्योति, क्लियर है बेटा आपको? और क्वेश्चन करते समय आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर दूंगी, ठीक है. होमवर्क दो थोड़ा, ये लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लो, कॉपी में लिखे रहोगे तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. थोड़ा होमवर्क दिया जाए, सब लोग करके लेके आओगे नेक्स्ट क्लास में, बहाने नहीं कर पाओगे आपकी मैम कॉपी भूल गए हैं.
नेक्स्ट क्लास में जैसे आपकी क्लास स्टार्ट होगी वैसे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे मुझे, राइट? ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन. आई डोंट नो आपके पास बुक है कि नहीं, बट इसके थ्रू आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे. मैं उतना आपको क्वेश्चन दे दूंगी कि आप प्रैक्टिस कर लोगे. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन आप लिख के रखना, मेरे पास क्वेश्चन नहीं रहेंगे, मैं रैंडम क्वेश्चन दे रही हूँ.